Friends, welcome back to DIIT YouTube channel. In today's lecture of BBLS, we will study about the other hashing technique, which is known as open addressing. पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी हैशिंग की, कोलिजन रेजोल्यूशन की, जो थी सेक्रेट चेन. मैंने आपको एक बताया था कि कोलिजन रेजोल्यूशन दो टेक्निक्स यूज करके किया जाता है, एक सेक्रेट चेनिंग, दूसरा ओपन एड्रेसिंग. अब ओपन एड्रेसिंग क्या होती है, किस तरह यूज होती है, किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, उसके बारे में आज आपको इस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. लाइक सेपरेट चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग इज अ मेथड फॉर हैंडलिंग कोलिजंस. इन ओपन एड्रेसिंग ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द हैश टेबल इटसेल्फ. सेपरेट चेनिंग की तरह ही ओपन एड्रेसिंग की एक मेथड है कोलिजंस को हैंडल करने का. ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जो भी स्टोर्ड है हैश टेबल में, ठीक है, वो हैश टेबल में ही रहते हैं, कोई लिंक नहीं बनाया जाता, चेन नहीं बनाई जाती. सो एट एनी पॉइंट साइज ऑफ द टेबल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कीज. यहां पर क्या होता है, जो टेबल होती है उसका साइज या तो कीज के नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा हो सकता है. नोट दैट वी कैन इंक्रीज टेबल साइज बाय कॉपिंग ओल्ड डेटा इफ नीडेड. हम टेबल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं पुराने डेटा को कॉपी करके जब जरूरत पड़े. इंसर्ट के, इसमें ये एक ऑपरेशन यूज होता है इंसर्ट के. कीप प्रोपेन अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, जिसका काम होता है कि जब तक कोई खाली स्लॉट ना मिले तब तक आप इंसर्शन या प्रोप कर सकते हैं. ओके, ये आपकी ओपन एड्रेसिंग की टेक्निक होती है. एक टेक्निक होती है, ये एक फंक्शन होता है ओपन एड्रेसिंग का. फिर आता है आपको सर्च के, मतलब कीप प्रोबिंग अंटिल स्लॉट्स की डजंट बिकम इक्वल टू की के और एन एम्प्टी स्लॉट इज रीच्ड. मतलब तब तक आप प्रोबिंग करते रहिए जब तक जो आपकी स्लॉट की की है वो के इक्वल ना बन जाए, जब तक कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं होगी तब तक आप सर्च करते रहिए. डिलीट के, डिलीट ऑपरेशन इज इंटरेस्टिंग. इफ वी सिंपली डिलीट अ की देन सर्च विल फेल. सो स्लॉट्स ऑफ डिलीटेड कीज आर मार्क्ड स्पेशली एज डिलीटेड. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी एक फैक्टर है इसका. सपोज मेरे पास कोई की थी पोजिशन वन पे, राइट, तो मैंने वो डिलीट कर दिया, वो वहां पे अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम स्लॉट राइट नाउ बिकॉज इट इज डिलीटेड. तो अगर आप जब भी इसकी की सर्च करेंगे तो वहां पर लिखा आएगा कि आइटम डिलीट हो चुका है, था पर इट्स नॉट प्रेजेंट नाउ. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल ऑप्शन. इंसर्ट कैन इंसर्ट एन आइटम इन अ डिलीटेड स्लॉट बट द सर्च डजंट स्टॉप एट अ डिलीटेड स्लॉट. इंसर्शन क्या कर सकता है, किसी आइटम को इंसर्ट कर सकता है डिलीटेड स्लॉट पर, पर सर्च स्टॉप नहीं हो जाती डिलीटेड स्लॉट पे. ओपन एड्रेसिंग इज डन फॉलोइंग वेज. ओपन एड्रेसिंग को इन दो तरीकों से हम एग्जीक्यूट करते हैं. क्या क्या मेथड्स है वो, पहला है उनमें लीनियर प्रोबिंग. इन लीनियर प्रोबिंग वी लीनियरली प्रोब फॉर नेक्स्ट स्लॉट. लीनियर प्रोबिंग में हम क्या करते हैं, हम लीनियरली नेक्स्ट स्लॉट को प्रोब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टिपिकल गैप बिटवीन द टू प्रोब्स इज वन एज टेकन इन बिलो एग्जाम्पल ऑल्सो. लेट हैश एक्स विद द स्लॉट इंडेक्स कंप्यूटेड यूजिंग हैश फंक्शन एंड एस बी द टेबल साइज. हम ऐसा जिम कर लेते हैं कि हैश एक्स क्या है, एक स्लॉट इंडेक्स है जिसे हमने कंप्यूट किया है हैश फंक्शन से और एस एक टेबल का साइज रिपोर्ट करता है. इफ स्लॉट हैश एक्स परसेंटाइल एस इज फुल देन वी ट्राई हैश एक्स प्लस वन. परसेंटाइल इसलिए इसलिए मॉड्यूल्स के लिए, आपने सी में पढ़ा होगा, हम मोड नहीं लिखते यहां पर, डायरेक्टली हम परसेंटाइल एस लिखते हैं, निकाला इसमें भी मॉड्यूल्स जाता है. ओके, अगर स्लॉट हैश एक्स परसेंट मॉड्यूलस ऑफ एस फुल है तो हम क्या करेंगे, हैश एक्स प्लस वन मॉड्यूलस एस निकाल देंगे, उसी हैश की का में वन बाई एड करके फिर मॉड्यूलस निकालेंगे. अगर वो भी फुल है तो हम सिंपली टू एड करके मॉड्यूलस निकालेंगे, सिंपली फिर थ्री एड करके निकालेंगे अगर वो भी फुल है तो. लेट अस अब इसमें एग्जाम्पल का वर्ड कंसिडर करते हैं, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया था सेपरेट चेन में, वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन इस बार वो हम ओपन एड्रेसिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे.
The main problem with linear probing is clustering. अगर हम linear probing apply करते हैं तो इसमें एक problem आती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे clustering. Many consecutive elements from groups and it starts taking time to find a free slot or to certain element. मतलब क्योंकि बहुत सारे consecutive elements क्या करते हैं group बना देते हैं एक के बाद वाले elements और फिर यहाँ पे टाइम लगता है कोई भी फ्री स्लॉट ढूंढने के लिए या कोई एलिमेंट को सर्च करने के लिए. सेकेंड होती है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. सपोज वी लुक फॉर आईएथ एलिमेंट इन आईएथ आइटरेशन लेट हैश एक्स बी द स्लॉट इंडेक्स कंप्यूटेड यूजिंग हैश फंक्शन. मान के चल रहे हैं कि हैश एक्स कोई स्लॉट इंडेक्स है जिसे हमने हैश फंक्शन से निकाला है. अगर स्लॉट हैश एक्स और मॉड्यूलस एस फुल है तो हम हैश एक्स प्लस 1 इंटू 1 मॉड्यूलस एस निकालेंगे. अगर हैश एक्स प्लस 1 इंटू 1 मॉड्यूलस एस भी फुल है तो हम हैश एक्स प्लस 2 इंटू 2 मॉड्यूलस एस निकालेंगे. ये है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की टेक्निक. अगर हैश एक्स प्लस 2 इंटू 2 मॉड्यूलस एस भी फुल है तो हम एंड सो ऑन हैश एक्स 3 इंटू 3 मॉड्यूलस एस निकालेंगे. वी विल कंटिन्यू सो ऑन. डबल हैश वी यूज अनदर हैश फंक्शन hash 2x and look for i hash 2x slot in ith rotation. Double hash में क्या करते हैं हम hash function hash 2x use करते हैं और i into hash 2x slot ith rotation में निकालते हैं. Let hash x be the slot index computed using hash function. हम मान के चलते हैं कि hash x वो slot index है जिसे हमने hash function से निकाला है. अगर slot hash x modulus s full है तो हम हैश एक्स प्लस 1 इंटू हैश 2x मॉड्यूलस एस निकालेंगे. अब वो भी फुल है तो हम हैश एक्स प्लस 2 इंटू हैश 2x मॉड्यूलस एस निकालेंगे. वो भी फुल है तो हम हैश एक्स प्लस 3 इंटू हैश 2x मॉड्यूलस एस निकालेंगे. तो अब इनकी में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है. कंपैरिजन ऑफ अबव थ्री लीनियर प्रोबिंग हैज द बेस्ट कैश परफॉर्मेंस बट सफर्स फ्रॉम क्लस्टरिंग. वन मोर एडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोबिंग इज इजी टू कंप्यूट. लीनियर प्रोबिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है कैश परफॉर्मेंस पर. इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लस्टरिंग की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और एक एडवांटेज लीनियर प्रोबिंग की ये है पर कि ये बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लाइज बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ कैश परफॉर्मेंस इन क्लस्टरिंग. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो होती है वो कैश वो इन दोनों के बीच में लाई करती है कैश परफॉर्मेंस और क्लस्टरिंग के बीच में. डबल हैशिंग हैज पुअर कैश परफॉर्मेंस बट नो क्लस्टरिंग. डबल हैशिंग में क्या होता है कि हालांकि कैश परफॉर्मेंस पुअर होती है पर इसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं होती. डबल हैशिंग रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन टाइम एज टू हैश फंक्शन सी टू बी कंप्यूटेड. डबल हैशिंग को क्या चाहिए होता है ज्यादा कंप्यूटेशन टाइम क्योंकि दो हैश फंक्शंस को हमें कंप्यूट करना होता है. सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग दो अलग अलग मेथड्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओपन एड्रेसिंग में क्या क्या होता है लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. ठीक लीनियर प्रोबिंग में क्या डिफिकल्टी प्रॉब्लम थी क्लस्टरिंग की बट फायदा किस चीज का एडवांटेज क्या थी ऊपर इजी टू कंप्यूट थी है ना. और उसके बाद जो हम यूज करते थे इसमें हम इसे ठीक करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता था ये कैश परफॉर्मेंस क्लस्टरिंग के बीच में लाया करती थी. डबल हैश की पुअर क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस थी पर पुअर कैश परफॉर्मेंस थी बट इसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं होती थी. डबल हैश को ज्यादा कंप्यूटेशन टाइम चाहिए क्योंकि इसमें हैश फंक्शंस कैलकुलेट होते हैं. पर अब सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग में क्या ज्यादा हमारे लिए इजी टू इंप्लीमेंट है और क्या ज्यादा यूजफुल है ये हम इसके एक बार डिफरेंसेस को कंपेयर करके बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं. वो तो आपको अपने समझ में आते होंगे पर एक बार उनके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीटली जान लेते हैं. सबसे पहला डिफरेंस है कि सेपरेट चेनिंग इजियर टू इंप्लीमेंट है पर ओपन एड्रेसिंग में क्या चाहिए होती है रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है. इन चेनिंग हैश टेबल नेवर फिल्स अप वी कैन ऑलवेज एड मोर एलिमेंट्स टू चेन. चेनिंग में क्या होता है
टेबल कभी फिल नहीं होगी, कभी भरी हुई नहीं होगी। हमारा जब मन करेगा हम नए एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं हैश टेबल में। ये किस केस में? सेपरेट स्ट्रिंग के केस में। अब ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है? ओपन एड्रेसिंग में हो सकता है टेबल फुल हो जाए। इट्स अ वेरी पॉसिबिलिटी, वेरी ओवर, इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट पॉसिबिलिटी दैट ओपन एड्रेसिंग टेबल बिकम्स फुल समटाइम्स। ओके, इट्स अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी। सो बट इन सेपरेट चेनिंग वी कैन ऑलवेज एड मोर एलिमेंट्स टू द चेन। थर्ड डिफरेंस है कि चेनिंग इज लेस सेंसिटिव टू द हैश लोड, हैश फंक्शन और लोड फैक्टर्स। चेनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कोई हैश फंक्शन लगाए, लोड फैक्टर्स लगाए, बट एड्रेसिंग रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर फॉर टू अवॉइड क्लस्टरिंग एंड लोड फैक्टर। ओपन एड्रेसिंग में एक मोड सबसे एक ही जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो है लोड फैक्टर्स की या क्लस्टरिंग की, जो सेपरेट चेनिंग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेपरेट चेनिंग में क्या होता है, ये सेंसिटिव, ये लेस सेंसिटिव होती है हैश फंक्शन से, ओके, या लोड फैक्टर से। चेनिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज अननोन हाउ मेनी एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कीज में बी इंसर्टेड और डिलीटेड। चेनिंग तब यूज होता है जब हमें नहीं पता होता कि कितनी कीज है जो हमें इंसर्ट करनी है, ये कितनी टाइम, कितनी फ्रीक्वेंटली हमें कीज को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। बल्कि ओपन एड्रेसिंग तब यूज होती है जब फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ कीज हमें ऑलरेडी पता होती है, हमारे लिए नोन फैक्टर होता है। फिफ्थ है कि कैश परफॉर्मेंस जो होती है चेनिंग की वो अच्छी नहीं होती। वो मैं आपको पहले लेक्चर में बता सकती हूँ कि कैश परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग इज नॉट गुड एज कीज आर स्टोर्ड यूजिंग रिंग्स। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैश परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी अप टू द मार्क, क्योंकि इसमें जो कीज होती है वो एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होती है। ऑन द अदर हैंड एड्रेसिंग प्रोवाइड्स बेटर कैश परफॉर्मेंस एज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द सेम टेबल, क्योंकि सब कुछ एक ही टेबल में स्टोर होता है ओपन एड्रेसिंग में। तो ये बेटर कैश परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू सेपरेट चेन। सिक्स डिफरेंस ये कि वेस्टेज ऑफ स्पेस होती है। सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल इन अ चेन आर नेवर यूज्ड। ये अभी आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि कई बार हैश टेबल में होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज या कुछ स्पेसेस होते हैं जो यूज ही नहीं होती, कोई ब्लॉक्स होते हैं जो अनयूज रह जाते हैं। इन दैट केस देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। व्हाइल इन ओपन एड्रेसिंग अ स्लॉट कैन बी यूज्ड इवन इफ एन इनपुट डजंट मैप टू इट। अच्छा, ओपन एड्रेसिंग का एक एडवांटेज ये है कि अगर कोई स्लॉट खाली है तो हम उसे आगे यूज कर सकते हैं, ओके। हालांकि मतलब ऐसे कोई स्पेस मेमोरी वेस्टेज नहीं होती आज तक इन कंपैरिजन टू सेपरेट चेनिंग टेक्निक। चेनिंग यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्स। चेनिंग क्या यूज करती है? एक्स्ट्रा स्पेस यूज करती है लिंक्स के लिए। नो, ऑन द अदर हैंड इन ओपन एड्रेसिंग नो लिंक्स आर यूज्ड, ठीक है। परफॉर्मेंस इन ऑफ ओपन एड्रेसिंग, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेपरेट चेनिंग की थी पॉजिटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकती है, लाइक चेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग कैन बी इवैल्यूएटेड अंडर द अजम्पशन दैट ईच की इज इक्वली लाइकली टू बी हैश्ड एट एनी स्लॉट ऑफ द टेबल। चेनिंग की तरह ओपन एड्रेसिंग में इसकी परफॉर्मेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर की, ये मान के इस अजम्पशन को लेते कि हर की इक्वली हैश की जाएगी किसी भी टेबल के स्लॉट पे। सपोज एन यहाँ पर है स्मॉल एन नंबर ऑफ स्लॉट्स हैश टेबल में, स्मॉल एन है नंबर ऑफ कीज जो कि इंसर्ट करनी है, लोड फैक्टर होगा इसका अल्फा इक्वल्स टू एन बाय एन व्हिच इज ऑलवेज लेस देन वन। एक्सपेक्टेड टाइम टू सर्च इंसर्ट एंड डिलीट, क्या एक्सपेक्टेड टाइम होता है, वो होगा लेस देन वन ओवर वन माइनस अल्फा। सो सर्च इंसर्ट एंड डिलीट टेक वन ओवर वन माइनस अल्फा टाइम, ओके। So with that, I will wrap up today's lecture also. Now we have completed two topics of collision handling technique. ठीक है, इन lectures में आपके दो topics complete हो चुके हैं, open addressing हो चुका है, separate chaining हो चुका है। separate chaining के दो parts हो सकते हो चुके हैं आपके, सिर्फ की linear probing और quadratic probing। अगर आप चाहते हैं कि आपका exams अच्छे जाए, at least 15 marks को cover हो जाए, तो ये topic आपको by heart याद होना चाहिए।